जब रोमन रेंस एक बार फिर से अपना रिटर्न करेंगे स्मैकडाउन के सीजन प्रीमियर वाले एपिसोड में, रोमन रेंस अकेले नहीं आएंगे, रोमन रेंस अपने साथ में एक सीक्रेट बंदे को लेकर आएंगे। और वो बंदा कौन होने वाला है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। साथ ही में WWE कोडी रोड्स और केविन ओवेंस का मैच एक बार फिर से करवाने वाली है और चेकअप फाटो भी अब सोलो सिका को बिट्रे करने वाले हैं। वो कब बिट्रे करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। कैसे हो आप सभी लोग, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो के अंदर। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जैकब फाटू और सोलो सिका के बारे में। जिस तरह WWE हिंट देना चालू कर रही है जैकब फाटू की, उसको देखकर तो ये लगता है कि जैकब फाटू भी एक दिन सोलो सिका को बिट्रे करेंगे, क्योंकि जैकब फाटू ने टैग टीम टाइटल भी जीती थी और फिर सोलो सिका ने जैकब फाटू की टाइटल टांगा लुआ को दे दी थी। तो जैकब फाटू को गुस्सा भी आया था, आया होगा गुस्सा, लेकिन दिखाया नहीं गया हमको टेलीविजन के ऊपर, क्योंकि अभी जैकब फाटू नए नए आए हैं और इतनी जल्दी वो टर्न करेंगे नहीं। हम सभी ने देखा था जब सोलो सिका ने भी अपना डेब्यू किया था 2022 के अंदर, और जब वो धीरे धीरे रोमन रेंस के साथ बिल्कुल नए थे, तब रोमन रेंस ट्राइबल चीफ थे, तब वो सोलो सिका ने भी उनके आगे कुछ बोला नहीं। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे वैसे अब सोलो सिका ने खुद को ट्राइबल चीफ मान लिया है। तो सेम यही सिचुएशन WWE सोलो सिका के साथ भी कर सकती है। और हमें पता है जैकब फाटू कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सोलो सिका से। फैंस अब ऐसे चाहते हैं कि जैकब फाटू इतना स्ट्रॉन्ग होकर भी सोलो सिका के अंडर कैसे काम कर सकता है, जैकब फाटू को बिट्रे करना चाहिए सोलो सिका को। और ये होगा भाई 100% कंफर्म है, ये आने वाले फ्यूचर के अंदर चीज होगी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होगी, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। फिर ये वही सेम चीज हो जाएगी जैसे रोमन रेंस को धोखा दिया सोलो सिका ने, वैसे ही सोलो सिका को भी जैकब फाटू धोखा देंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपको ऐसा लगता है कि जैकब फाटू बिट्रे कर सकते हैं सोलो सिका को। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में। तो रोमन रेंस अपना फिर से रिटर्न करेंगे सीजन प्रीमियर वाले स्मैकडाउन में। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या रोमन रेंस वहाँ पे अकेले आने वाले हैं। तो देखो भाई, अकेले तो रोमन रेंस बिल्कुल भी नहीं आएंगे, रोमन रेंस के अकेले आने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि सामने पूरी ब्लड लाइन होगी और रोमन रेंस अकेले होंगे तो रोमन रेंस बिल्कुल अकेले तो आएंगे नहीं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या रोमन रेंस अपने साथ एक सीक्रेट बंदे को लेकर आ सकते हैं। तो इसका आंसर है यस, रोमन रेंस अपने साथ एक और बंदे को लेकर आएंगे, क्योंकि रोमन रेंस अकेले नहीं आएंगे। वो बंदा कौन होने वाला है, तो सबसे ज्यादा चांसेस है जिसके, वो है जिमी उसो के। जी हाँ दोस्तों, जिमी उसो बताया जा रहा है कि रोमन रेंस के साथ वो अपना रिटर्न कर सकते हैं स्मैकडाउन में। और मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था कि जो उसो से डेड है रिकेशी, उन्होंने भी इस बात को बताया है कि जो जिमी उसो है बिल्कुल मेडिकली क्लियर हो चुका है, वो रेसलिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है, वो WWE के अंदर आने ही वाला है बहुत जल्दी। और हमें पता है रोमन रेंस का भी रिटर्न सीजन प्रीमियर वाले स्मैकडाउन में होने वाला है, तो रोमन रेंस अपने साथ जिमी उसो को लेकर आएंगे। और यही चीज सबसे ज्यादा सेंस बनाएगी जिमी उसो और रोमन रेंस के रिटर्न की। तो रोमन रेंस और जिमी उसो को लेकर ये अपडेट है कि आने वाले स्मैकडाउन के अंदर हमको ये दोनों एक साथ अपना रिटर्न करते हुए दिखेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कोडी रोड्स और केविन ओवेंस के बारे में। तो WWE इन दोनों का मैच एक बार फिर से करवाने वाली है। हमने देखा था इनका मैच हुआ था बैश इन बर्लिन के अंदर, लेकिन अभी ऐसे रिपोर्ट निकल कर सामने आ रहे कि एक बार फिर से इनका मैच होगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि हमने देखा था कोडी रोड्स और एजे स्टाइल्स का मैच एक बार हुआ था, लेकिन उसके बाद एजे स्टाइल्स ने बोला कि नहीं मेरे को एक और मैच चाहिए कोडी रोड्स के साथ, और फिर एक और मैच हमें कोडी रोड्स के साथ उनका क्लैश एट द कासल में देखने को मिला। अभी तक जिस किसी ने भी कोडी रोड्स के साथ फाइट करी है उसको दो बार मैचेस मिल चुके हैं। और यही सेम चीज एक बार फिर से WWE केविन ओवेंस के साथ करवा सकती है, क्योंकि हमने सोचा था कि बैश इन बर्लिन के अंदर कोडी रोड्स के ऊपर केविन ओवेंस अपना हील टर्न कर देंगे, लेकिन हील टर्न नहीं हुआ केविन ओवेंस का, इसलिए फैंस इस मैच को शायद से एक बार फिर से देखना पसंद करेंगे। और इनका ये मैच कहीं भी हो सकता है, WWE चाहे तो इसको बैड ब्लड के लिए भी बुक कर सकती है, या फिर ये मैच क्राउन जूल या फिर सर्वाइवर सीरीज तक भी जा सकता है, लेकिन इन दोनों का मैच एक बार फिर से जरूर होगा, जहाँ पर केविन ओवेंस शायद से अपना हील टर्न कर देंगे कोडी रोड्स के ऊपर। बाकी भाई आज इस वीडियो को लिए यही कुछ अपडेट थी, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लो। बाकी मैं मिलता हूँ सबसे अपने अगले ही नेक्स्ट वीडियो में।